सोयाबीन उत्पादन में पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश ने सोयाबीन स्टेट का तमगा अपने नाम कर लिया है। प्रदेश ने ये तमगा महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए अपने नाम किया। वहीं भारत सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की पूरे देश में सोयाबीन उत्पादन में 41.92% हिस्सेदारी हो गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री इंदर सिंह कंसाना ने भी इस मौके पर किसानों को बधाई दी। देखिए रिपोर्ट। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर वन हो गया है। प्रदेश ने महाराष्ट्र को पछाड़ते हुए सोयाबीन स्टेट का तमगा अपने नाम कर लिया। पूरे देश में 5.47 मीट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश अब देश में सबसे आगे है। वहीं अगर बात की जाए सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में प्रदेश की हिस्सेदारी सोयाबीन उत्पादन में 41.92% हो गई है। वहीं प्रदेश के सोयाबीन स्टेट बनने पर प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने किसानों को बधाई दी और इसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व और प्रदेश के किसानों की मेहनत का फल बताया। महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में है। यह हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान है। ये आज नंबर वन पे जो हमारा सोयाबीन की खेती में आया है ये हमारी किसानों की मेहनत का फल है। और जब हमारे किसान खुशहाल होंगे तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, और जब हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। ऐसी हमारे मोदी जी के निर्देश में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि के प्रति जो किसानों की रुचि बढ़ी है उसके लिए मैं हमारे शीर्ष और प्रदेश दोनों नेताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारा कृषि इसी प्रकार अग्रणी रहेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बता दें कि वर्ष 2021-22 की तुलना में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का रकबा 1.7% बढ़ा है, जिसके चलते इसका सीधा असर उत्पादन पर भी देखने को मिला, जिसके चलते मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।